हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग मेरी फ्रेंड? मैं आप लोगों से आज कुछ बातें करना चाहती हूँ। अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लगी और सच लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, कुछ लोग हैं ना, कहते हैं कि पैसे के लिए काम करती हैं। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाई लोग, कि पैसे के लिए कौन काम नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों से इसी का जवाब जानने के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ कि पैसे के लिए कौन काम नहीं कर रहा है। मतलब पैसे के लिए लोग, कुछ लोग तो इतना गिर चुके हैं कि मतलब यूट्यूब पे खुद को एकदम ओपन कर देते हैं। किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे इंसान हैं कि इतने मतलब बुरी बुरी बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब अपनी जो घर की जो फैमिली की बातें रहती है, घर में क्या क्या हो रहा है, किससे लड़ाई हो रहा है, किससे झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं जो शेयर कर देते हैं। किस लिए करते हैं? यही मैं पूछना चाहती हूँ। पैसे के लिए करते हैं ना, क्यों? मतलब मैं जो पर्सनल बातें हैं जो यूट्यूब पर शेयर नहीं करना चाहिए, वो लोग भी मतलब यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि खुद को इतना नीचे गिरकर यूट्यूब चलाना, यूट्यूब पर शेयर करना, अपनी पर्सनल बातें, निजी बातें शेयर करना, क्या ये ज़रूरी है? किस लिए लोग कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं ना, अपना चैनल ग्रो करने के लिए। इस हद तक लोग गिर जाते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं कि बोलने में भी शर्म आती है हमको। तो इतना ये सब क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि तुम लोग पैसे के लिए काम करते हो। मैं यही समझ नहीं पाती हूँ कि पैसे के लिए कौन काम नहीं कर रहा है। भाई ज़रा मुझे भी तो बताइए ना, क्या जो लोग दुबई, विदेश, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, जहाँ भी जा रहे हैं, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के, अपना माँ बाप छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, वो किस लिए जाते हैं? मुंह दिखाने के लिए जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं? तो हम यूट्यूब पे आ गए हैं, अपने घर का रूटीन शेयर करते हैं, हम डेली का ये करते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं, रूटीन शेयर करते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम पैसा कमाने के लिए ये जो रास्ता हमने अपनाया है, यूट्यूब ज्वाइन किया है, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? भाई हमें यही जानना, इसी का जवाब चाहिए। ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? ठीक है, हाँ मानती हूँ मैं पैसे के लिए यूट्यूब पे आई हूँ। बहुत लोग, सब लोग, जितने यूट्यूब पे लोग हैं वो सब पैसे के लिए हैं। लेकिन सबकी सोच और हमारी सोच अलग होती है। कोई धन के भूखे हैं, कोई इंसानियत देख रहा है, कोई किसी और के लिए कर रहा है, कोई अपना नाम बनाने के लिए कर रहा है। हर एक, सबका अलग अलग रीज़न है यूट्यूब पे आने का। सब लोग, अब आप लोग सोचिए, मेरे पास तो किसी चीज़ का कमी नहीं था, जैसे तैसे मेरा जो भी है, जितने में मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मैं किसी और के लिए करने आई हूँ, इसमें उसकी भी भलाई है, मेरी भी भलाई है, और मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, मैं अपने नाम से जीना चाहती हूँ। इसमें क्या बुराई है, क्या बदनामी है, क्या खराबी है? मैं यही पूछना चाहती हूँ उस इंसान से कि क्या खराबी है, क्या गलत है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, गलत दिखा रही हूँ, गलत सुना रही हूँ, गलत क्या कर रही हूँ? भाई तेरा इसका जवाब मुझे देना। जिससे शादी कर लिया, किसी से शादी कर लिया, किसी के परिवार में आ गए, किसी से प्यार कर लिया, तो क्या अपने पैरों में बेड़ियां पहन के चले, बेड़ियां लगाना चाहते हैं? क्यों? अगर हम गलत कर रहे हैं तो लगाओ ना भाई, अगर मैं हम गलत नहीं कर रहे हैं तो क्यों लगाने का? यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों हम दूसरों का गुलाम बन के जिए? क्या हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है, हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है इसमें? यूट्यूब पे काम करना, यूट्यूब पे रूटीन शेयर करना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्लीज़ यार, आप अपने घर में रहिए, ऐसा कमेंट मत किया कीजिए, ऐसी बातें मत किया कीजिए कि हम पैसे के लिए, ठीक है मानती हूँ मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ, बट मैं जिसके लिए कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ और करूँगी। किसी के कहने, किसी के बोलने, किसी के भड़काने, किसी के धमकाने से कुछ हम डरने वाले नहीं हैं।
मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मुझे और किसी का डर नहीं है, मुझे और किसी से कोई लेना देना भी नहीं है, मैं किसी और के ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं देने जाती हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में दखलंदाजी देने का आप लोगों का क्या मतलब है यार, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। प्लीज़ मैं हाथ पैर जोड़ रही हूँ और प्लीज़ आप लोग जो भी है ना बोलने वाले यार मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मुझे नहीं ये सब पसंद है। बहुत बुरा लगता है कि तुम लोगों की सोच कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया सोच है कि तुम लोग किसी औरत का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। वही जगह तुम्हारी माँ भी है, उसी जगह तुम्हारी बहन भी है, कम से कम अपनी बहन बेटी समझकर तो उसकी रिस्पेक्ट कर लिया करो। किसी के भी चैनल पर कुछ भी जाके कमेंट करके चले जाते हो लोग, ये क्या वजह है? मतलब हम तो तुम्हारे घर नहीं आ रहे, तुम्हारे घर में नहीं ताक झाक कर रहे हैं भाई, तो तुम क्यों आ रहे हो हमारे घर में ताक झाक करने के लिए? शर्म अगर इतनी भी शर्म है तो चले जाओ यहाँ से। अगर अच्छा लग रहा है तो देखो देखो, लाइक करो, शेयर करो, मदद करो, लेकिन किसी के बहन बेटी को ऐसा मत बोलना, बोल कर जाया करो कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हें क्या हक है भाई बोलने का? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारा कोई हक है हमारे साथ, हमारे ऊपर? मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, तुम क्यों बोलते हो? बोलना ज़रूरी होता है किसी की ज़िंदगी में? उसकी निजी ज़िंदगी, उसके पर्सनल ज़िंदगी है। जब उसके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, पति को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, सलाह देने वाला? अपना सलाह अपने पास रखा, और ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना तो तू अपने घर में रहा, और ज़्यादा जो संस्कारी है ना तो अपने घर की माँ की बहन की बेटी की इज्जत कर, फिर दूसरों की इज्जत करना सीखना, ठीक है? हाय हाथ पैर जोड़ रही हूँ, हाँ मैं पैसे के लिए आई हूँ, पैसे के लिए काम करती हूँ, पैसे के लिए सब कुछ करती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, तो फिर अपना रास्ता देख भाई, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बस। थैंक यू सो मच। और मेरे भाई मेरी बहनों, आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि मैंने जो बात जो वर्ड मैंने आप लोगों से पूछा, क्या ये गलत है क्या? मैं उस इंसान को बोल रही हूँ जो इंसान बोला है कि तुम पैसे के लिए कर रही हो, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये बुरी बात है क्या? मैं आप लोग से ये पूछ रहा हूँ, क्या हमारा हक नहीं है हम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जिए, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ इंजॉय करें, हमारा कोई हक नहीं है? बस इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, न्यू रहेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।